हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इंडेक्स नंबर का ये पार्ट टू है, वीडियो नंबर टू। इसके अंदर फर्स्ट मैंने जो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशंस बताई थी, लिमिटेशंस बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे एंड उनकी जो किस ढंग से उनका सब कुछ था तो वो बताया था। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको इसके मेथड्स के बारे में बता रही हूँ, जो इंडेक्स नंबर होता क्या है और किस ढंग से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्टली आपको दो मेथड दिख रहे हैं, हम मेथड में बताएंगे। दो मेथड है इसके अंदर, एक अनवेटेड मेथड है जिसे हम सुपर मेथड भी बोलते हैं और एक सेकंड होता है वेटेड मेथड। तो मैंने इनको ए और बी नाम दे दिया, तो आप ए एंड बी, तो आप इजीली समझ जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर आज आपको सारा ए के बारे में समझाना है, ये वीडियो ये पार्ट वन है, ये मैं सारा ए पार्ट के बारे में बताया। अनवेटेड सिंपल, ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल एग्रीगेट, सेकेंड आता है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव। ये दो मेथड आते हैं सिंपल में, सिंपल मेथड या अनवेटेड मेथड में। और सेकेंड वाला हमारा आता है वेटेड, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं वेटेड एवरेज एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आज जो ये वीडियो आपको स्टार्ट करिए, बहुत सिंपल वीडियो है और बहुत सिंपल तरीका है इसका करने का। आपका मेन जो है वो इसके ऊपर ये क्वेश्चन जरूर बनता है, IIM क्वेश्चन हो जाता है इसका, परंतु आज इस वीडियो में मैं इसका डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ाती हूँ, वेटेड अनवेटेड का मैंने फर्स्ट वाला लिया है। फर्स्ट में अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेट सिंपल एग्रीगेट एंड प्राइस मेथड करा दी, बस इसलिए सिंपल एग्रीगेट, ठीक है। अब इसके अंदर मेन चीज आप ये देखेंगे कि जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कल भी आपको उस वीडियो में, उसमें सिंपल वीडियो, इसमें P01 ये स्टार्ट होता है यहाँ से निकालने का। हम इसे प्राइस इंडेक्स नंबर से डिनोट करते हैं, इसके अंदर हम 01 नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे, मतलब कि जो करंट ईयर है वो बेस ईयर पे डिपेंड होता है। अब करंट ईयर और बेस ईयर मैंने पहले भी बताया था, जो भी हमारे पास सिग्मा P0 आता है, सिग्मा P1 आता है, जो भी आता है उसको हम 0 डिनोट करते हैं बेस ईयर से और 1 को हम डिनोट करते हैं करंट ईयर से। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हमेशा याद रखिए 0 इज बेस्ड ऑन बेस ईयर एंड 1 इज ऑन बेस्ड ऑन करंट ईयर। सो अब मैं एक एग्जांपल आपको यहां दे रही हूं, यहां ये फार्मूला इसका है, ये फार्मूला यहां पर हम सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस मेथड का जो फार्मूला है, आपको 1 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ये सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बताइए, या ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कमेंट्री दी हुई है मेरे पास ABCDE, मैंने P0 मतलब कि बेस ईयर, जो बेस ईयर मेरा प्राइस है, मतलब कि 2014 मान लो और 2020 मान लो, तो बेस ईयर क्या हो गया, जो पहले चला गया आगे स्कूल, इसके अंदर 50, 40, 10, 5 हो, किसी भी कमोडिटी से रिलेटेड बात, जो कमोडिटी थी उसका प्राइस अभी कितना हो गया P1 में 60, 40, 20, हमें निकालना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर मेरा ये फॉर्मूला मैं पुट करती हूँ, मुझे सबसे पहले चाहिए सिग्मा P1, सिग्मा मतलब पूरा एग्रीगेट, तो सिग्मा P1 मतलब मेरे पास P0 हमारे पास ये आ गया, P1 मेरा टोटल आया 176 और ये जब मैंने इस फॉर्मूले में इसको पुट किया तो मेरा आंसर आया 164.49। हम इसे एवरेज में डिनोट करेंगे, हम ये कह सकते हैं जो पहले प्राइस 100 रुपये था वो बढ़कर अभी प्राइस 164 रुपीज हो गया है। सो हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा इसी का पार्ट टू, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उसे आप इजीली देखेंगे। इसमें प्राइस रिलेटिव मेथड में जो फॉर्मूला है उसमें सिग्मा बाहर आ जाता है, P1 P0 × 100 अपॉन एन, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो पूरा यहाँ आता है, इसे हम प्राइस रिलेटिव मेथड कहते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, IIM है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। यहाँ जो फॉर्मूला मैंने पुट किया है वो है यहाँ है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 upon P0 × 100 upon n। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या मालूम करना है, हमें प्राइस मालूम करना है, और अभी तक जो आपने मालूम किया था वो टोटल मालूम किया था कि कौन सी टोटल कमोडिटी पे क्या असर पड़ा प्राइस का, परंतु इसके अंदर हम पर्टिकुलर एक कमोडिटी
बारे में बताएंगे कि कितना प्राइस बढ़ा है। 50 का और 60 में अंतर कितना है, 10% का। 40 से 40 में कोई अंतर ही नहीं आया। इसमें 10 से 20 के बीच में 10% का अंतर आया। 5 से 10 के बीच में प्राइस 10% 5% बढ़ गए। इसके अंदर 4% प्राइस बढ़ गए। तो पर्टिकुलर चीज के बारे में इसमें निकालना है। इसके अंदर हम इसको डिनोट करेंगे आर से। आर निकालने का जो फॉर्मूला है, हम सबसे पहले आर निकालेंगे इंडेक्स नंबर का। आर आर निकालेंगे हम P1/P0। ये हमारा आर का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ आर निकाला। P1 मेरे पास 200 था, P0 मेरे पास 100 था। (100) = मेरे पास आया 200। सेम पर्टिकुलर 40/8 (100) = 500। 16/200 (800). अब मेरे पास इन सबका टोटल जो एग्रीगेट आया है वो मेरा आया पूरा इसको। इस चीज को मैंने सॉल्व करा, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इस टोटल एरिया को हम आर से डिनोट, क्योंकि मैंने यहीं पे इसको सॉल्व कर लिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, यहाँ डिनोट करने के बाद मैंने इस सबका टोटल आया मेरे पास 500 डिवाइडेड बाई नंबर एन आया। हमें एन मेरे पास है 5 = 500। मतलब कि हर पर्टिकुलर टोटल जो प्राइस बदला है वो 500 पर कमोडिटी के हिसाब से चेंज हुआ है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ ये एक पार्ट बताया है। नेक्स्ट वीडियो आपका सेकंड वेटेड पार्ट का होगा। सो कंटिन्यू।